हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनिल मालवी, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव से पैसिव, और इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दिया है, आज है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो एक्टिव से पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय वाक्य और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय वाक्य। स्पोकन में ये कुछ डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर ग्रामर में कुछ डिफरेंट है, तो मैं आपको ग्रामर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले है एक्टिव, एक्टिव मीन्स सक्रिय। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपको पता है कि कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर आई एन जी यूज़ किया गया। अब इसका पैसिव होगा, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर बी के साथ आई एन जी यूज़ किया जाएगा, बींग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और वह सब्जेक्ट चेंज भी हो जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में रखना है, फिर इससे रिलेटेड जो सेंटेंस आएंगे उन सेंटेंस को आपको कैसे सोल्व करना है, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो जैसा सेंटेंस आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट को इसमें चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसका आपको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले अ लेटर, उसके बाद सिंगुलर है तो इज़ यूज़ करना है, फिर आपको बींग का प्रयोग करना है और थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न बाय, और यहाँ पर ही दिया हुआ है तो ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा। अ लेटर इज़ बींग रिटर्न बाय हिम मीन्स एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया है कि कैसे आपको यूज़ करना है। अगला सेंटेंस देखिए, एक्टिव सेंटेंस है भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, भावना एक गाना गा रही है। अब जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो अ सॉन्ग इज बींग संग बाय भावना, यानी एक गाना भावना के द्वारा गाया जा रहा है। तो अ सॉन्ग यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर इज यूज़ किया गया, फिर बींग यूज़ किया गया, फिर संग थर्ड फॉर्म और बाय भावना यूज़ किया गया। अगला सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया गया, वॉचिंग मैन वर्ब है, द मैच ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, द मैच इज़ बींग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है मैच विद्यार्थियों के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको और सेंटेंस भी बनाना है, और अगर आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आपको वापस से सेंटेंस टाइप करना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव सेंटेंस है आई एम ड्राइंग द पिक्चर, मैं चित्र बना रहा हूँ। इसका पैसिव होगा द पिक्चर इज बींग ड्रॉन बाय मी, तो यहाँ पर द पिक्चर सिंगुलर है, इसके साथ इज यूज़ किया गया, फिर बींग, उसके बाद में ड्रॉ ड्र्यू ड्रॉवन, फिर आपको बाय यूज़ करना है और आई जो था आई का यहाँ पर मी हो जाएगा। अगला सेंटेंस है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, श्वेता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, आंसरिंग मेन वर्ब के साथ आई एन जी, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले द क्वेश्चन यूज़ किया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आपको बींग यूज़ करना है, आंसर की थर्ड फॉर्म होती है आंसर्ड बाय श्वेता। तो यहाँ पर द क्वेश्चन इज़ बींग आंसर्ड बाय श्वेता, यानी एक क्वेश्चन का आंसर श्वेता के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट यूज़ किया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
आर नॉट यूज़ किया गया, प्लकिंग मैन वर्ब है और द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर चेंज करेंगे द फ्लावर्स आर नॉट बींग प्लग्ड बाय देम, यानी फूल उनके द्वारा नहीं तोड़े जा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको नेगेटिव में ही कन्वर्ट करना है। अगला सेंटेंस है इज शी प्रिपेयरिंग कॉफ़ी, क्या वह कॉफ़ी बना रही हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव ही यूज़ करना है जो हेल्पिंग वर्ब। तो कॉफ़ी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इज़ यूज़ करेंगे, फिर कॉफ़ी बींग प्रिपेयर्ड बाय हर, क्या कॉफ़ी उसके द्वारा बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया था, तो आप इससे रिलेटेड और सेंटेंस बनाइए। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।